अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहांआरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज हम बनाने वाले हैं रेशेदार भुना गोश्त की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ चंद मसालों से हम इतनी डिलीशियस मज़ेदार भुना गोश्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे आने वाले बकरीद पर ज़रूर बनाइए और इसे आप एक महीने के लिए फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेशेदार भुना गोश्त की रेसिपी। रेशेदार भुना गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस गोश्त। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन बोनलेस लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ मसाले हम यहाँ पर डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। सबसे आखिर में हम यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल लेते हैं और साथ में 1/2 गिलास के करीब पानी भी हमें डाल लेना है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कुकर को लिड से कवर कर लेना है, स्टोव को हाई फ्लेम पर कर देना है। हाई फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 व्हिसल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम स्टोव का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। स्टोव को ऑफ़ करने के बाद अब हमारा कुकर जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसका लीड हटा कर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब गोश्त में जो है थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, हमें इस पानी को सुखाना है। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बहुत ही सॉफ्ट गल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस कुकर से सारे गोश्त को हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। स्टोव के हाई फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। तो 5 से 10 मिनट ही लगेगा इसका पानी सूखने के लिए। तो 50% पानी आप देख सकते हैं सूख गया है। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के करीब घी डाल लेती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। तो घी से हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर अब मैं स्टोव का फ्लेम जो है मीडियम टू लो पर कर लेती हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। चम्मच चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे और इसी दौरान हमारा गोश्त जो है बिल्कुल टूट कर रेसा रेसा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम रेशेदार भुना गोश्त रखा हुआ है। अब हमें स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे चम्मच चलाते हुए भुनेंगे जब तक इसके अंदर जितना मॉइस्ट है पानी है वो सूख ना जाए और घी जो हमने डाला है वो बाहर दिख ना जाए। तो हमें इसे भूनते रहना है। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, घी आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। उसी के साथ हरी धनिया बारीक काट कर हमें डाल लेना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेशेदार भुना गोश्त बिल्कुल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे आने वाले बकरीद पर ज़रूर बनाइए क्योंकि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी का भुना गोश्त बनाया है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के बनाने, बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉलो करना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, गोश्त को भूनते वक्त उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर पानी रहेगा तो हम उसे स्टोर करके ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए जिस वक्त भी आप इसे गोश्त को भूने अच्छी तरह से, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रेशेदार भुना गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आने वाले बकरीद पर आप इसे ट्राई करना मत भूलिएगा। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।